ईश्वर। पीछे से भी इतना हाथ खाली, नीचे से नीचे हिलाना है। अभी देखो अपने को दाएं मुड़ करना है। कहां पे करना है? दाएं मुड़ करना है। दाएं यानी कौन सा? राइट लेफ्ट। दाया का मतलब दावा नहीं, ये मेरे को खाली मैं उसी पे फोकस करता हूँ। दाया मतलब दावा नहीं, दाया का मतलब राइट उजवा। तो दाएं मुड़ेंगे तो इस तरह से। अभी हमको कहीं पे मुड़ना है तो कैसे मुड़ेंगे हम लोग? ये एड़ी से हमको, अभी हम लोग सावधान पोजीशन में बराबर है। सावधान पोजीशन में पहला स्टेप है दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़। पहला स्टेप हमको क्या करना है? इस तरह से पैर को इस तरह से करना है, समझ गए? राइट से करो। स्टेप नंबर वन घुमाना, ये एड़ी से हमको घुमाना है। ये हमारी एड़ी है बराबर, हम सावधान पोजीशन में। एड़ी से हम लोग क्या करेंगे? इसको एड़ी से इस तरह से घुमाएंगे। ओके घुमाओ, ये हो गया ये, और सामने ही देखना है बराबर। और दूसरा पैर, ये पंजा है, पंजे से मुझे क्या करना है? ये पोजीशन में आना है, ये सावधान पोजीशन में। और दाया मैं मुड़ गया, मगर मैं सावधान पोजीशन में वापस मुझे आना है। क्या करना है? सावधान पोजीशन में आना है। तो सावधान पोजीशन में ये पैर है मेरा वापस एड़ी के, पहला राइट का पैर है वो उसको जुड़ जाएगा। पर और ये पैर उठा के, ये पैर उठा के दाएं मुड़ गया मैं, समझ गए? समझ गया? क्या करोगे अभी? नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है? हाँ, इससे घुमा के उधर वो दिशा में बराबर। फिर तीसरा स्टेप उठाओ, वही पैर को उठा के पटकना है सावधान के जगह पे। ठीक है वापस आ जाओ। अभी मैं कर रहा हूँ आपको, आपको डायरेक्ट करना है, समझ गए? जैसे करना था स्टेप बाय स्टेप। वन वन स्टेप मैं एड़ी से यहाँ तक आ गया, दाएं की तरफ आ गया। फिर बाद में दूसरे पैर को मैं पंजे से उस दिशा में लेके जाऊंगा बराबर है। फिर तीसरा स्टेप है उस पैर को मुझे सावधान की तरफ पटकना है। तो हो गया दाएं मुड़। अभी डायरेक्ट करना है तुमको, दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़। डायरेक्ट करना है ना, डायरेक्ट कैसे करोगे? तो डायरेक्ट हमको जमता नहीं, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूँ। अभी ये डायरेक्ट हमको, जब तक हमको प्रैक्टिस नहीं आती ना, हमारा पैर भी बार बार उठाता नहीं। अभी देख, दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़। अभी क्या ऐसा है कि दोनों एक ही साथ में घुमाना इस तरह से, और फिर बाद में ये पटकना, ये हो गया दाएं मुड़। अभी तुम करके दिखाओ, समझ गए? एक ही टाइम पे पंजे, एक पंजे को ये करके एक एड़ी से, ये पैर का पंजा उठाने का इसका एड़ी, ये पंजा और इसका एड़ी, इसके एड़ी एक ही टाइम पे करना है। क्योंकि हम लोग क्या स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं, तो ये एड़ी से ये हो गया, ये पंजे से ये हो गया, फिर बाद में यही पैर को तुमको
पटकना है, समझ गए? ये हो गया हमारा दाएं मुड़ गया, पहला राइट से और ये ऐसा समझ गया ना तुम? अगर इस बार अभी तुम करके दिखाओ अभी तुमको होता है कि नहीं, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ इसके लिए तुमको अभी मैं कमांड दे रहा हूँ तुमको, कमांड से दिखा दे क्या हो रहा है तेरे से। अभी तेरे को दाएं डायरेक्ट मुड़ना है, जैसे कि ये हो गया, ये दाएं मुड़ गया मैं, अभी तुम कैसे करते हो दिखाओ। एक मिनट आगे देख, सामने ही देखने का तुमको, जैसे तुम घुमाओगे पहला स्टेप दोनों पैर से घुमाओगे और फिर बाद में पटकना है तुमको, ठीक है? प्लेट दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़, समझ गए? अभी कैसे किया है हमको, कैसा करना है कि ये पैर को यहाँ पे ले क्या है बरोबर, और फिर बाद में स्टेप बाय स्टेप सेकंड स्टेप क्या है ये बरोबर, ये पंजे से तुमको घुमाना है, फिर तीसरा स्टेप क्या, यही पैर पीछे जो है उसको अपने सावधान के पोजीशन में आना है, ठीक है? तो मैं अभी स्टेप बाय स्टेप ही अपन करेंगे, क्योंकि अपन को डायरेक्ट आएगा नहीं, इसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूँ। कभी कभी कौन ऐसा करते हैं, कोई ऐसा ही डायरेक्ट ऐसा ही है, ऐसा ही घुमाता है और ऐसा करते हैं, तो ये चीज़ें होती है, क्योंकि जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, अभी प्रैक्टिस करेंगे तो अभी डायरेक्ट नहीं होगा, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। अभी मैं पहले बोलूंगा स्टेप वन, तो तुमको एडी से ये इस तरह से देख रहे, एडी से इस तरह से घूमोगे, अभी तक मुझे मुड़ना नहीं है, मुड़ना नहीं है, मैं ऐसे ही देख रहा हूँ बराबर। सेकंड स्टेप, स्टेप सेकंड, ये हो गया स्टेप थ्री, समझ गए? ठीक है, दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़, स्टेप वन बराबर, स्टेप टू, स्टेप थ्री, ये हो गया दाएं मुड़ गया बराबर, समझ गए? वापस वैसे ही रहो, दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़, स्टेप वन बोलूंगा तब, स्टेप टू, हाँ उस दिशा में देखना, अभी सामने ही देखे एकदम स्ट्रेट, और खड़ा स्ट्रेट रहे ना, स्ट्रेट पैर भी एकदम टाइट रख, दो सब पैर टाइट रख। स्टेप थ्री, पैर उठा के पटकना है, और सब पैर को नहीं देखना है तुमको, सीधा देखना है, समझ गए? वापस वैसे ही रहो, हाँ ठीक है, चल अभी वापस ऐसा पूरा राउंड घूमना है तुमको, ठीक है? दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, वापस वैसे ही राइट माना अभी, ठीक है? दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़, वापस, हाँ वही उधर ही दाएं की तरफ, उस तरफ अभी उस तरफ जाएगा ना तू, स्टेप टू, पंजे को, हाँ पंजे से ये कर और घुमा ऐसा पूरा सीधा तरह, अभी सीधा ही देखना है ना तेरे को इस तरफ, समझ गए? अभी स्टेप टू हो गया, स्टेप टू करना बराबर है, लेकिन पूरी तरह तू सीधा देखने का तेरे को, हाँ और टाइट रहे पैर एकदम टाइट, लास्ट का पैर भी टाइट रखना है और पंजे पे खड़ा रहना है, पंजे पे। स्टेप थ्री में तेरे को पैर नीचे नहीं देखना है, तेरे को सीधा ही देखना है, समझ गए? ये ध्यान में रखना, अपने को सीधा देखना है। दाएं मुड़ गए, दाएं मुड़, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, समझ गए ना? अभी कैसा डायरेक्ट तू या हर स्टेप कर रहा है बराबर, लेकिन जब पहले करोगे ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, पैर को उठा के इस तरह से पटकना है, यानी ये पैर को अपना मेरा टाइट है, लेकिन ये देखे ये पैर को यहाँ पे लाना है, ऊपर से लेके ऐसा नीचे करना है, ठीक है? स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, बराबर, दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। अभी कैसे मालूम है तेरे को, झट करना है, यानी स्टेप वन बोलेगा खटक, ऐसे पूरा बॉडी को जो पार्ट को हिलाना है सिर्फ वही पार्ट हिलना है, समझ गए? जैसे कि ये देख, खटक खटक, समझ गए? फिर बाद में पटकना है तुमको वैसे, दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़, स्टेप वन, स्टेप वन बोलूंगा तब स्टार्ट करना है, स्टेप टू,
देखना किधर है, उधर दाए तेरा, तेरे को उधर देखना है, उधर इधर उधर गर्दन हिलाना नहीं है, आंखें हिलाना नहीं है। स्टेप थ्री, डायमंड गेट, डायमंड। स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, बराबर की नहीं? अभी यानी तेरे को जम रहा है तो कैसे, अभी ये हो गया एक, कितना स्टेप में हो गया? तीन स्टेप में हो गया। अभी दो स्टेप में करेगा कैसा कि तेरे को एडी और पंजे की तरफ देखना है, पंजा को ये दबा स्टार्ट करना है और ये एडी से यानी इस तरह से, समझ गए? एक ही टाइम पे, हाँ एक ही टाइम पे तेरे को मालूम है कि क्या दबाना है, ए एडी से ये दबाना है, ये यानी यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे, ऐसा रहेगा, ठीक है? दो स्टेप में करना है। अभी ये पहला स्टेप क्या रहेगा, ये ऐसा, ठीक है? फोन ले दो, खालसा खालसा, मावशी का एवढं सांगा सांगा, गणपती स्टेप वन, हाँ बराबर। स्टेप टू, पटक गया, समझ गया ना? डायमंड। स्टेप वन, स्टेप टू, डायमंड। स्टेप टू, स्टेप टू, समझ गए? यानी नहीं उसका ऐसे इतना उठाएगा, एक ऐसा मालूम है, ये ऐसा लेके ऐसा पटकना रहता है ये, यानी ये थोड़ा थोड़ा लूज रहना चाहिए मेरे को, अपना लूज नहीं रहता बैंड, समझ गए? ये ऐसे, यानी ये ऐसा लेके ऐसा करना है, ऐसा ये ऐसा, तो आवाज आता है, तो ये नहीं स्ट्रेट मारेगा तो आवाज आएगा, ऐसा मारेगा तो नहीं आएगा। तो ये कैसा, इसको ऊपर तक लेना है और फिर पाद में पटकोगे, जैसे ये छाती पूरे आगे, ये पटना, ऐसा आना चाहिए। वो ऐसा कैसा आएगा, तो अपन रोज हमेशा करते रहेगा ना ऐसा ही, ये ऐसा सावधान पोजिशन में, यानी कैसा पटकने के लिए वो पैर को एड़ी को ऐसा लाना है, एड़ी से पटका जाता है, यानी ये पैर को देख, ये जो है ना ये हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। अभी चलो विश्राम में है, विश्राम ऐसा है, आवाज ऐसा आएगा, ऐसा है, तो थोड़ा पैंट लूज रहेगा तो अपन बराबर आ जाएगा, ठीक है? अभी हम लोग कैसे खड़े हैं देख लो, आप लोग जब भी खड़े रहते हो तभी देखना है कि हम लोग सावधान में है, तो सावधान में हमारे दोनों पंजे ऐसे मुड़ बंद रहेगा, अंगूठा इस तरह से रहेगा दबा के और ये हाथ इस तरह से नीचे जाएगा, ये सावधान पोजीशन है और चिपक कर रहेगा, बॉडी को चिपका है, दोनों एड़ी चिपका है, 45 डिग्री का कोण है, यानी थोड़ा अंतर रहना चाहिए, समझ गए? अभी हम लोग क्या करेंगे, विश्राम करेंगे, समझ गए? विश्राम करेंगे, एक साथ विश्राम, हाथ नीचे तक जाना चाहिए और सीधा देखो, हाथ नीचे जाना चाहिए और सीधा, एक साथ बराबर देखना है कि ज्यादा करके हमारे एड़ी को एड़ी मिलना चाहिए और पंजे में थोड़ा अंतर रहना चाहिए और ये हाथ हमेशा यहां से ये सावधान पोजीशन में और विश्राम के टाइम पे हमको क्या करना है, देखो तुम्हारा मूड जो है ना ये ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, ये जो है ऐसा ऐसा चिपका के रहेगा, ऐसा पूरे के पूरे, अभी देखो एक दो तीन चार, चारों उंगलियां यहाँ पे चिपकती है क्या,
चारों उंगली ऐसा दबा के, हाँ दबा के चिपकाना है, और यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक क्या हिल रहा है देखो, पंजा ही हिलना चाहिए इतना, यानी यहाँ से यहाँ तक विश्राम में जाएगा। आइए तो समझ गए, ये ऐसे से ऐसे करना है। एक कदम आला ना करे परा आठ के बाद, समझ गए देखो पैर ज्यादा इतना ही बस, देखो पैर को देखो ऐसा, बॉडी का सीधा करो, बॉडी को ऐसा ऐसा नहीं करना है, कमर को भी ऐसा ही सीधा, मिडल पोजीशन जो है ना हमारा, मिडल पोजीशन में हमको रहना, ये हो गया ये मिडल, अपने को पता चल रहा है थोड़ा ऐसा झुक गया तो ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, ऐसा करना अपने को, ऐसा रहना है। अपने को टाइम मिलता है ऑलरेडी, और टाइम पे पोजीशन में रहना है, जैसे मैं सुर लगाता हूँ, तो धन धन के काम पे खत्म होना, साव से लेके धन तक, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, दाएं मुड़ना है, बराबर है। दाएं मुड़ने के लिए हम लोग पहला स्टेप क्या करेंगे, सावधान पोजीशन में रहो, पहला हम लोग तीन स्टेप में कर, सावधान ये मुठ ऐसे ही दबा के, सिलाई के पीछे हमारा सिलाई देखो, पैंट की सिलाई देखो, ठीक है। मैं बोलूंगा दाएं मुड़ेंगे, दाएं मुड़ना यानी राइट, यहाँ पे ये राइट का जो हाथ है वहां पे हमको मुड़ना है, तो पहले एडी, एडी के ऊपर ध्यान दो, पहला एडी स्टेप वन, ये देखो स्टेप वन ऐसा रहना चाहिए कि थोड़ा अपने को सावधानी पोजीशन में 90 अपना पंजे से मेरे को साइड में लेना है, बराबर 45 डिग्री का कोण आना चाहिए, तो थोड़ा ऐसा भी नहीं ऐसा, समझ गए, इधर तक घुमाना है पैर को, यानी सावधान पोजीशन में थोड़ा गैप रहे। फिर ये हमारा पंजा है, सेकंड पोजीशन क्या है ये, और ये पोजीशन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हाथ को पैर को ऐसा रखते हैं, ये इसको उठाओ, ये पैर जो हमारा है पंजे पे खड़ा रहेगा तभी ये स्ट्रेट आएगा, मैं ऐसा देखूंगा, ये पोजीशन रहेगी सावधान पोजीशन में, और पैर को उठाऊंगा थर्ड में, ये हो गया सावधान पोजीशन में, बराबर आ गया मैं, समझ गए। सावधान पोजीशन में जब हमारा एक राइट का पैर ये साइड में है तो लेफ्ट का पैर ये ऐसे साइड में होना चाहिए, समझ गए, और अगेन ऐसा नहीं रहेगा, हमको इस तरह से इतना घुमाना है, ये पोजीशन है, ये पैर है हमारे, बराबर है, ये पैर इस तरह से रहेंगे, गैप ऐसा ही रहेगा, जब ये अभी हम लोग सावधान में है, बराबर है, ये पैर ये हाथ हमारा इस तरह से जाके ऐसा रहेगा, और ये इसको दबा के ऐसे जाएगा, बराबर, ये हाथ ऐसा स्ट्रेट रहेगा, दबाया मैंने पंजे की तरफ टाइट है, फिर बाद में इसको पटक के इस तरह से सावधान में लाना है, समझ गए सब लोग। अभी हम लोग देख लो, हम लोग कभी भी खड़े होते हैं विश्राम में खड़े होते हैं तो दोनों हाथ पीछे है, हम लोग ज्यादा करके क्या करते हैं, दोनों हाथ पीछे रखते हैं और सावधान के तरीके से पैर को जोड़ते हैं, बराबर कि नहीं, जोड़ा है कि नहीं, जैसे नया रहता है वो ऐसा जोड़ता है, जब जूना होता है, जब हम लोग करते हैं, ध्यान में रखो, जब हम लोग करते हैं एक दो तीन चार पांच बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग को पता चलता है कि हमको किस तरह से खड़ा रहना है, बराबर कि नहीं। अभी ये सावधान पोजिशन में है तो सावधान पोजिशन हमारे दोनों एड़ी चिपके हैं सबके, एड़ी चिपकाओ, पर अभी तुम सावधान में है लेकिन तुम्हारे हाथ पीछे है, सावधान पोजीशन में हमारे हाथ इस तरह से मुठ बंद होगा, मुठ ऐसे बंद और ये नीचे की तरफ जाएगा, और ये हमारा क्या है, हमारा हाथ सिलाई के पीछे जाना चाहिए, सिलाई के पीछे, और ये जो चारों उंगली है, चारों उंगली ऐसे दबाएंगे हम लोग, क्या करेंगे ऐसे दबाएंगे चारों उंगली यहाँ पे इस जगह पे
अभी देख लो इस जगह पे ये ऐसे दबा के रहेगा, ये पोजीशन रहेगा, देख लो आप,